नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भुवालपुर मैदान में फुटबॉल खेल का शुभारंभ नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने किया उद्घाटन। वहीं पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने कहा कि फुटबॉल खेलने से स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हैं। पूर्व विधायक ने कहा, खेल मानव जीवन का अंश है, मनुष्य के लिए एक आवश्यक अंग हो चुका है। खेल एक साथ मानव को अनुभव और अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि 12 साल से भुवालपुर मैदान में फुटबॉल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं उन्होंने कहा, खिलाड़ियों को अनुशासन के साथ अपने प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद रहे मदन मंडल, वहाँ की ग्रामीण फुटबॉल कमेटी के सारे मेंबर मौजूद थे। खेल आज मानव जीवन का एक आवश्यक अंग हो गया है, इसलिए खेल एक साथ स्वास्थ्य, एक साथ अनुशासन, और खेल मानव को दृढ़ दिखाती है, अनुशासन की पाठ पढ़ाती है, भाईचारा का संदेश देती है। इसलिए आज की दुनिया में, आज जो दुनिया चल रही है, इस दुनिया में खेल का बहुत महत्व है। और मैं समझता हूँ सब क्षेत्र में, चाहे वह बॉलीवुड लीजिए, राजनीति लीजिए, हर क्षेत्र से आगे आपका खेल की दुनिया आगे है। इसलिए लोगों को खेलना चाहिए, खेल रहे हैं। और आज यहाँ भागलपुर में जाकर उद्घाटन मैच फुटबॉल का चल रहा है। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। टीएनबी कॉलेज केंद्र पर चल रही इंटर की तीसरे दिन की परीक्षा के दौरान दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे दोनों पाले में 22 मुन्ना भाई पुलिस की गिरफ्त में। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज केंद्र पर चल रही इंटर परीक्षा के तीसरे दिन दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे दोनों पाले में 22 मुन्ना भाई को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए छात्र में से संचित कुमार, सतीश कुमार, संदीप कुमार, गगन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अमन कुमार, राकेश कुमार, सोनू कुमार, अभिषेक कुमार, आशीष कुमार सहित 22 छात्र पकड़े गए। सभी छात्र दूसरे के बदले पैसे के लोभ में परीक्षा दे रहे थे। वही चल रही इंटर केमिस्ट्री विषय के तीसरे दिन इंटर की परीक्षा के दौरान पैसे को लोभ में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 10 छात्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए छात्र इंटर की परीक्षा पास करने को लेकर मोटी रकम की बात कर एडवांस 10,000 रुपए लेकर दूसरे के बदले टीएनबी कॉलेज केंद्र पर परीक्षा दे रहे थे। भनक लगते ही जांच उपरांत सभी छात्र पकड़े गए। वही पकड़े गए सभी छात्रों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आप जानते हैं कि हमारे जो शिक्षक, उन पर काफ़ी दबाव होता है, बहुत सारे कार्य करने होते हैं, उनको भरना होता है, उसमें रंगना होता है। तो उन लोगों को कुछ संदेह हुआ, उन लोगों ने कहा कि सर लगता है कुछ, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोगों ने गहन जांच करवाई। आज खुद जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके निर्देशन और निगरानी हम लोग मिल करके जाँच करवाए। तो प्रथम पाली में 10 लोग पकड़ाए और सेकेंड पाली में फिर उनको हम लोगों ने जारी रखा और 12 विद्यार्थी जो दूसरे के बदले में परीक्षा देते हुए पाए गए, उन सबको जो है पुलिस हिरासत में भेज दी गई है। एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। और ऐसी कोई बात नहीं कि, चूंकि हो सकता है कि और सेंटर की मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारे सेंटर पे बहुत कड़ाई की जाती है और एक एक विद्यार्थी का जो है फोटो उनके सिग्नेचर से और क्रॉस वेरिफिकेशन की जाती है। इसके द्वारा जो है जो विद्यार्थी दबाव में आकर के कह देते हैं कि जो है हम दूसरे के बदले में परीक्षा दे रहे हैं, उसको पकड़ा जाता है। हो सकता है कि इसमें और भी हो। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। कटिहार के परतेली में कोऑपरेटिव बैंक कर्मी और ग्रामीणों के बीच जमकर हुई मारपीट, लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक कर्मी को बनाया बंधक। गुरुवार को परतेली पंचायत भवन में ग्रामीणों ने जाकर बवाल काटा। ग्रामीणों का कहना था कि हर दिन कड़ी मेहनत कर उन लोगों ने MSCS कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी लिमिटेड में पैसा जमा किया था और सोचा था कि 5 साल बाद जो पैसा मिलेगा उसे अपने बेटियों की शादी और घर बनाएंगे। लेकिन 5 साल पूरा हो जाने के बाद जब भी वो बैंक जाते, उन्हें लौटा दिया जाता, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और जमकर बवाल काटते हुए हंगामा कर दिया। हंगामे के बीच कई बार ग्रामीणों और बैंक कर्मी के बीच मारपीट हो गई और इससे बंधक भी बना लिया गया। ग्रामीण अपने पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बैंक कर्मी ने कहा कि उनका कोऑपरेटिव बैंक है जो कोलकाता से रजिस्टर्ड है। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।